हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे जो है पालक की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने पालक अच्छी तरह से धो लिया था। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ मम्मी जी से बातें भी कर रही थी और डुगू भी खेल रही थी उनके साथ, और मैं साथ साथ में पालक भी काट रही थी। मैंने सोचा डुगू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज खिचड़ी स्किप कर देते हैं। तो पालक और पनीर की सब्जी और फुलका मैं सोच रही थी कि उसको दिन में बना के देती हूँ। लेकिन डुगू की जो तबीयत थी वो थोड़ी ठीक नहीं लगी मुझे, तो फ़िलहाल तो मैं पालक ही काट रही हूँ। और सोच रही थी कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते एक बारी कि कहीं से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, छाती जमी हुई तो नहीं है इसकी। तो वही डिस्कशन यहाँ चल रहा था, मम्मी से मैं पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से पालक काट के पहले चढ़ा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अभी आगे देखना। और यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और मैं एक्चुअली गाड़ी में बैठी हुई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने बोला कि हम इसे ले चलते हैं, एक बारी दिखा लेते हैं। ये देखो डुगू को उसके पापा ने पकड़ा हुआ है। और अभी थोड़ी सी डरी हुई थी, थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी ऐसे ही अपने पापा को चिपक के बैठी हुई थी गाड़ी में, इधर उधर देख भी नहीं रही थी। तो ये थोड़ा सा जो रोड है गाइज, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, मतलब इतना भी नहीं है, बट थोड़े से है, ये रोड उतना अच्छा नहीं है। तो ये बीच में मैं डुगू को भी दिखा रही थी कि थोड़ा वो ठीक लग रही है या नहीं, बट अभी भी वो थोड़ा सा ऐसी बैठी हुई थी चुपचाप से ही। तो अब थोड़ा रोड ठीक आ गया था गाइज, और मैं आपको दिखा रही थी ये बीच में सेब के बगीचे भी आ रहे थे लोगों के। तो इतना अच्छी तरह से मैं कैप्चर नहीं कर पाई इस ब्लॉग में, बट जितना भी आपको दिख रहा है ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर रास्ता है, अच्छा लगता है यहाँ से जाते हुए ट्रैवल करते हुए। तो थोड़ी बहुत ही क्लिप मैंने जो है रिकॉर्ड करी है। और गाइज यहाँ से जहाँ हमने डुगू को दिखाना था, जो प्राइवेट क्लिनिक सेंटर है उसकी जो मेरे घर से दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो क्लिप है गाइज, यहाँ पे बस हम पहुँचने ही वाले थे, ये टर्न हो जाएगी गाड़ी और बस यही वाला रोड है उस क्लिनिक सेंटर का। तो बहुत अच्छे डॉक्टर है यहाँ पे, और ये हम पहुंच चुके हैं। जस्ट स्टेयर्स चढ़ रहे थे, डुगू को उसके डैडू ने उठाया हुआ है और बस हम पहुंचने वाले थे। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था गाइस, और बहुत सारे पेशेंट भी थे वहाँ पे, बहुत सारे बेबीज़ आए हुए थे, बहुत सारे बेबीज़ बीमार है आजकल। तो डुगू फ़िलहाल सो गई थी और उसके डैडू उसको घुमा रहे थे। हेलो गाइस, तो हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत लंबा सफ़र है, यहाँ से 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो डॉक्टर हमें मिल गए थे और ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि डुगू बहुत मस्ती कर रही थी और गाड़ी में बहुत ज़्यादा, और फिर बीच बीच में सो भी जा रही थी, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो पक्का मैं अच्छी अच्छी जो क्लिप्स हैं आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो डुगू गाड़ी में ही सो गई थी, फ़िलहाल उसको मैंने सुला दिया है और मैं आपको दिखा देती। तो डुगू आराम से सो रही है और मैंने जो सुबह पालक की सब्जी काटी थी तो मैंने वो उसको जस्ट जल्दी जल्दी में कुकर में ही रख दिया था और चढ़ाया नहीं था, तो अभी जल्दी से पहले उसे चढ़ा लेती हूँ क्योंकि डुगू को भी भूख लग रही होगी और बेचारी आज दूध के सहारे ही थी वो, और उसको चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाइस, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और मैं जो है हल्दी और हल्दी वाली चाय पीती हूँ, काली चाय पीती हूँ, ज़्यादा पत्ती नहीं डालती हूँ, और दूध वाली चाय मैं नहीं पीती हूँ। और अभी ये वाली चाय पीऊँगी और फिर शाम को जो है मैं पीती हूँ जीरा और मीठी सौंफ वाली चाय, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं जो अपनी मैं आपको बता रही हूँ काली चाय, वो भी हल्दी वाली, वो शेयर कर रही हूँ कि मैं वो किस तरह से बनाती हूँ। तो अगर आप
पीना चाहते हो, विंटर्स में मेरी तरह इस तरह के इलाके में रहते हो तो सर्दियों में आप इस तरह की चाय पी सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मौसम ऐसा ही है और मुझे भी कोल्ड हुआ हुआ है तो मैं यही वाली चाय पीती हूँ। और जब समर टाइम कुछ इस तरह से गर्मी होती है या कुछ ऐसा होता है तो मैं नींबू वाली चाय पीती हूँ। तो फिलहाल मैं हल्दी वाली चाय पी बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस, इसमें मैंने सिर्फ अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं और दो चार दाने या 6 दाने मैंने पत्ती के डाले हैं और चीनी डाली है और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली है। और बस हम इसे उबलने देंगे और जैसे ही ये उबल जाएगी बस उसी टाइम हम इसे पोर करके पी लेंगे। तो गाइस, चाय मैंने चढ़ा दी है और जितनी देर तक चाय बनती है उतनी देर तक मैं अंदर का कुछ काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं ऐसे ही जल्दबाजी में सबको छोड़ के चली गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और चलो जो भी है, जाके आगे तसल्ली हो गई। फिलहाल मैं चाय के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो गाइस, कैसे हो आप सब? और डुगू भी उठ गई है जैसे ही मैं काम करने लगी, और वैसे ही उठ गई मैडम। और मेरी चाय भी बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की लगती है। ऑब्वियस है कि जब हम हल्दी डालते हैं तो ये येलो हो जाती है, ब्लैक टी जैसी तो बिल्कुल नहीं रहती है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की लग रही है। तो पीने में ये बहुत ही यम्मी होती है, आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। बहुत गाइस, जो चाय की रेसिपी है वो उसमें आपको कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। आपको जैसे आप ब्लैक टी बनाते हो बस उसी ब्लैक टी में आपको जो है थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है। और अगर आपका गला गुला ख़राब है, आपको लग रहा है कि आपको कफ कोल्ड है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा नमक भी उसमें ऐड कर सकते हो। और ये जो चाय है बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी इसे बोलते हैं। तो मैं मैक्सिमम यही चाय पीती हूँ और समर टाइम में जो है लेमन टी पीती हूँ। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं शाम के टाइम जो है अपने 5 से 6 बजे के बीच में एक और चाय पीती हूँ और उसमें मैं शुगर वगैरह कुछ नहीं ऐड करती हूँ। तो उसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से बनाते हैं। और अगर आप ने अभी तक अभी मेरे जैसे बेबी डिलीवर किया है या आपका बेबी छोटा है तो भी वो बहुत हेल्दी है हम जैसे लेडीज़ के लिए, तो मैं आप सबके लिए ज़रूर उस चाय को जो है शेयर करूँगी कि किस तरह से बनाते हैं और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं हम जैसी लेडीज़ के लिए स्पेशली। तो वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी हल्दी वाली चाय कैसी लगी और आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस, डुकू दोबारा से सो गई है और उसकी नींद नहीं आई थिंक पूरी हुई, और सफ़र में थक भी जाते बच्चे तो इसी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब है, इसी वजह से उसका थोड़ा टाइमिंग भी बदल गया आज। तो मैंने उसे दोबारा सुला दिया है, फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको। और सो गई है वो दोबारा, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है अपने होम टाउन से, जहाँ मैं परमानेंटली अब शिफ्ट हो चुकी हूँ और मैंने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी है, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे मैंने वहाँ के ब्लॉग्स डालती थी। और फिर ये काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, आप सबके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे तो। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो आगे ब्लॉग्स देखना और किस तरह के ब्लॉग्स चाहते हो, तो वो भी कमेंट करना। फाइनली डॉक्टर के जो हमने विज़िट किया उसकी मैं रिपोर्ट आपको बता देती हूँ। तो जैसा हम सोच रहे थे कि डुगू की कहीं छाती तो नहीं जमी हुई है या उसे कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, तो गुड न्यूज़ ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और डुगू ठीक है, जस्ट थोड़ा सा इसे वायरल हुआ है।
और फीवर इसका बिल्कुल ठीक था, एक दिन ही हुआ था और वो ठीक हो चुका था। बट हमें लग रहा था कि चलो फिर भी डॉक्टर से दिखा लेते हैं, दिखाना ज़रूरी है, और बच्चों के मामले में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, इसलिए हम इमीडिएटली सुबह चले गए थे। जब मुझे लगा कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम चलते हैं दिखा लेते हैं, तो उन्होंने भी कहा ठीक है हम निकलते हैं। तो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो जाना पॉसिबल नहीं होता अगर शाम के टाइम जाना हो या दिन के टाइम जाना हो। तो सुबह उस टाइम 11 ही बजे थे, तो हम निकल गए। तो सिर्फ एक चीज़ डॉक्टर ने बोली है कि इसका जो ब्लड है वो कम है, 8 ग्राम है, और थोड़ा सा कम है, ज़्यादा तो नहीं, बट हम रिकवर कर लेंगे। और बाकी बिल्कुल एक्टिव है बेबी, तो थोड़ा रिलीफ मिला ये न्यूज़ सुन के। और बस इतना छोटू सा ब्लॉग मैंने आज का बनाया था, क्योंकि थोड़ी डुगू की तबीयत की भी टेंशन हो गई थी, तो ज़्यादा मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, और मैं ज़्यादा डुगू को ही टाइम दे रही थी और मेरा सारा ध्यान डुगू पे ही था। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं कुछ इस तरह के ब्लॉग्स बनाऊं और डुगू के रिलेटेड भी, या कुछ भी मेरे रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।